हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको मीठी पूरी की रेसिपी बता रही हूँ। ये बहुत ही टेस्टी पूरी है। इसके अंदर हम मीठी दलिया की स्टफिंग करेंगे और फिर डीप फ्राई करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बनती है और अंदर जो दलिया है वो भी दानेदार दिखती है और बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। कुकर में हमने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है और इसमें हम 500 ग्राम्स जो है वो दलिया बॉयल कर रहे हैं और पानी हमने करीब 10 कप्स के अराउंड लिया है। इस कुकर में जब बॉयल आने लगेगा तो हम इसको सीटी लगा देंगे। पहली सीटी हम हाई फ्लेम पर आने देंगे और इसके बाद फिर हम इसको लो फ्लेम पर सीटी आने देंगे। लो फ्लेम पे 20 से 25 मिनट सीटी आने देंगे हम इसको। और ये देखिए कितने अच्छी तरह से ये गल गई है। अब हमने इसको एक दूसरे पैन में ट्रांसफ़र कर लिया और अब हम इसमें 250 ग्राम शक्कर ऐड कर रहे हैं। शक्कर ऐड करने के बाद हमें इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। शुरू में ये मिक्सचर आपको चम्मच चलाने में काफ़ी टाइट लगेगा, लेकिन फिर जब शक्कर अपना मॉइस्चर रिलीज़ करेगी तो फिर ये चलाना काफ़ी आसान हो जाएगा। ये देखिए, अब ये धीरे धीरे जो है वो मॉइस्चर इसमें रिलीज़ हो रहा है। हाई फ्लेम पर ही हम इसको रख रहे हैं। जब मॉइस्चर धीरे धीरे रिलीज़ होना स्टार्ट होगा तो ये अपने आप सॉफ़्ट होने लगेगी। ये देखिए कितनी सॉफ़्ट हो गई है। और अब मैंने वुडन स्पून हटाकर स्टील का स्पून इसमें मैं यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए, ये अच्छा खासा मॉइस्चर जो है वो इसमें रिलीज़ हो गया है। तो हम इसको और 5 से 10 मिनट तक इसको इसी तरह रहने देंगे और फिर उसके बाद चूल्हा बंद करके ठंडा हो जाने के लिए रख देंगे। ये देखिए, हमारा मिक्सचर जो है वो बहुत अच्छा तैयार हो गया है। और इस टाइम पर आप चाहें तो इसको थोड़ा से क्वांटिटी में निकाल के ठंडा करके चेक कर देख सकते हैं, लेकिन बहुत केयरफुली, बहुत गर्म होता है। तो अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। जब तक हमारी दलिया ठंडी होती है हम आटा सेट कर लेते हैं। यहाँ पर हम आटा गूँध रहे हैं और इसको बिल्कुल रोटी की तरह गूँधना है। मीडियम कंसिस्टेंसी रखनी है इस आटे की, बहुत हमें हार्ड भी नहीं करना, बहुत सॉफ्ट भी नहीं, बिल्कुल मीडियम रखना है। अच्छी तरह से हम आटा गूंथ लेंगे। आटा हमारा गूंथ गया, हमने उसको साइड में रख दिया। अब हम ये दलिया का मिक्सचर जो है वो सेट कर लेंगे। इस तरह से हाथों की मदद से हम जैसे आटा सेट करते हैं, इस तरह से सेट करके इसके पेड़े बनाएंगे। हाथों पे कुकिंग ऑयल लगा लीजिए आप और इसका जैसे रोटी का पेड़ा बनाते हैं वैसे ही पेड़े बनाने हैं। जितनी बड़ी आपको रोटी बनानी है उस हिसाब से आप पेड़ा लीजिए। हमारे यहाँ पे ये पूरियाँ जो है अम्मी बनाती हैं, तो उनकी प्रैक्टिस है, वो आसानी से बड़े साइज़ की रोटी जो है वो बना लेती हैं इस स्टफिंग की। अगर आप बिगनर हैं और या फिर आप पहली बार ट्राई कर रहे हैं तो आप छोटे साइज़ के पेड़े बना लीजिए, तो वो आपको ईजी रहेगा। इन पेड़ों को रोल करते वक्त सूखा आटा आप लेते जाइए, इससे आपको आसानी रहेगी। फिर जिस तरह आलू के पराठे को हम स्टफिंग रख के पैक करते हैं उसी तरह पैक कर लेंगे। और पहले हम हाथों से ही इसको बड़ा करने की कोशिश करेंगे, इस पेड़े को सूखा आटा लगा लगा कर। देखिए, इस तरह सूखा आटा लगा के बड़ा करेंगे और अब हम इस पर बेलन चला देंगे। थोड़ा सा बिल्कुल हल्के हाथ से बेलन चलाना है और इस बात का ध्यान रखना है कि हमारी ये जो रोटी है बिल्कुल नहीं फटे, बिल्कुल भी कहीं से क्रैक नहीं आए इसमें। थोड़ा थोड़ा हाथों से इसको प्रेस कर लेंगे और फिर इसको साइड में रख देंगे। इसी तरह हम बाकी पेड़े भी जो हमने तैयार करके रखे हैं उसकी हम सब की जो है वो पूरी तैयार कर लेंगे, स्टफिंग को बीच में रख के। और बीच बीच में सूखा आटा लगाते रहिए ताकि ये आसानी से पैक हो सके। तो इसी तरह हमें सारी पूरियां जो हैं वो तैयार कर लेनी है और फिर हम ऑयल रख लेंगे गरम होने के लिए। डीप फ्राई हमें इसको करना होगा। ऑयल हमारा गरम हो चुका है, अब हम इसको बहुत ध्यान से जो है वो ऑयल में डाल देंगे। ऑयल में डालने के बाद आप इसको बिल्कुल प्रेस मत कीजिए, इसी तरह रहने दीजिए। ये अपने आप जो है वो ऊपर आ जाती है ऑयल से। ये देखिए
कितनी अच्छी फूल रही है और ऊपर भी आ गई है, और हमने हाई फ्लेम पर ही इसको फ्राई किया है। अब हम इसको इसका साइड जो है वो चेंज कर देंगे और गोल्डन होने तक फ्राई करेंगे। तो फ्राई करते टाइम इसका बहुत ध्यान रखिए कि ये कहीं से इसका क्रैक नहीं आए इसमें। अब हम इसको एक छन्नी में रख देंगे ताकि इसका एक्सेस ऑयल जो है वो बाहर आ जाए, और फिर उसके बाद टिश्यू पेपर पर रख लेंगे। और ये देखिए तैयार हो गई माई पूरी। ये बहुत ही टेस्टी पूरी होती है और बहुत अच्छी लगती है। अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ कि ये अंदर कैसी है। ये देखिए अंदर, देखिए दलिया के दाने कितने अच्छे दिख रहे हैं, क्लियर, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी लगेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। बाय।